10 साल की उम्र में मेरे भाई का देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, वो पानी में डूब गया और मैं देखते रहा। मैं 10 साल का था, वो 17 साल के थे। वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरी माँ ने मुझे संभाला, मुझे हर चीज़ से डर लगता था। फटाके फूटते थे तो मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता था। हम खोली में रहते थे 10x10 की, जहाँ पर 3 पायखाना था और 30 लोग थे उस 7 खोली में। तो वहाँ पैदा हुआ, वहीं रहे। मैं 11वीं पास करने के बाद में मेरे पास पैसे थे नहीं कॉलेज करने के लिए, तो मैंने अम्मी से बोला मैं नहीं करूँगा, मैं चलेगा, यानी इनको स्ट्रगल करना पड़ता। मैं काम करता था ट्रैवल एजेंसी में, ट्रेड विंग्स करके। वहाँ पे बस स्टॉप पे किसी ने पूछ लिया क्या करते हो, तो मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ हूँ। बोला आप क्या करते हैं? बोले मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ। मैं बोला अच्छा। बोले आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? मैं क्या हो? बोले तुम्हारे तस्वीर लेंगे और तुम्हें पैसे देंगे। मैं बोला मेरी तस्वीर लेंगे मुझे पैसे देंगे? बोला यार मुझे ऐसे काम दे दो। तो वो बोला तू आ जा कल। तो मैं लंच टाइम में काम करता था रामपट रोड पे, जब अपने जहांगीर आर्ट गैलरी के यहाँ ट्रेड विंग्स में, और इनका ऑफिस था डावर्स कॉलेज फ्लोरा फाउंटेन में, नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। यहाँ से चल के लंच टाइम में गया, वहाँ खड़ा हो गया, मिस्टर जैन और मिसेस जैन बैठे थे। देखा, बोले जाके अपने कपड़े का मेजरमेंट दे दो। मैं बोला कपड़े का मेजरमेंट दे दो? इतना मतलब क्या मैं मॉडल बन गया? बोला आपको मॉडल बना रहे। तो बस मॉडलिंग करी और घर। माँ को बोला मॉडल बन गया हूँ माँ, मैं आज गया था, मेरे कपड़े वपड़े इतने सिलाए। बोले कि हाँ जब तक होगा नहीं बेटे, तू कुछ बना नहीं है तो देख ले। मैं बोला ठीक है। और वो फिर मॉडलिंग कर ली, 7,500 रुपया ये कुछ ऐसे भी पैसे आए, माँ को दिए जाके। बोले देख माँ पैसे भी मिल गए। फिर कुछ दिन बाद फ़ोटो भी आ गए। फिर मैं काम छोड़ दूँ माँ, मैं यही करना चाहता हूँ, मेरे फ़ोटो निकालते रहें और मुझे पैसे देते रहें, ऐसा कुछ हो। तो हंसने लगा। बाप ने बोला हीरो बनने वाला? बोला हीरो बनेगा। तो इन दोनों के बीच में मैं वो काम छोड़ दिया जो स्टडी जॉब था, और बस मॉडलिंग मिलती। खुदा का शुक्र, भगवान का, कि मुझे काम मिलते गए। सुनील आनंद से मेरी दोस्ती हुई, दोस्ती तो नहीं मगर सुनील आनंद को मैं कहीं मिला और उनने कहा कि डैडी को मिल। मैं तो डैडी को मिलना चाहूँगा क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। मुझे लेकर गए वो और उनने मुझे देखा और मॉडलिंग शुरू कर दी थी मैंने। तो सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तो मैं रोल ज़रूर दूंगा, और मुझे रोल दे दिए। मतलब उनने मेरा कोई होर्डिंग देखा था, सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तो मेरे सामने खड़े हो, तो मार्लबोरो मैन है, तुम्हें रोल दूंगा। और मैं रोल, मैं बोला ठीक है, मैं वेरी गुड। तो बोला कि सेकंड लीड है, तो सेकंड लीड का दे दिया। 15 दिन के बाद में बुलाए गए, फिर मैं गया वहाँ पर, बोला वो रोल मिठुन को दे दिया हूँ, तो मैं और एक रोल दे रहा हूँ, सीधा शक्ति कपूर का चमचा। खड़े रह गए पीछे, बोले यहीं सीख लेंगे एक्टिंग। हमने तो कुछ ज़्यादा सीखे नहीं, हम अपने कान को खुला रखा और अपने एक्सपीरियंस और अपने दर्द को बाहर किया। जैसे हमने अपनी अम्मी को जाते हुए, अपने अप्पा को देखते, अपने भाई को देखा हुआ जाते हुए आंख के सामने, तो वो सारी चीज़ें दबी हुई है मेरे में। माँ मरी, बाबा मर गए, भाई चले गए, ये सब चले गए ना एक एक। वो आए हैं, हम लोग आए, हम भी चले जाएंगे, अब वो लेकर घूमना नहीं। उसमें डिप्रेशन किस बात का भाई? आजू बाजू अगर गम देखे तो अपना गम बहुत कम है भाई, समझा ना, याद रखना। ये नहीं रोते रहना, अरे मेरे को ये नहीं मिला, अरे मेरी उम्र होते जा रही है, वो मुझे काम नहीं मिल। अरे हटा यार, तू जो चल रहा है फिर रहा है, तेरे हड्डी में दम है, बहुत हो गया भाई, अच्छे अच्छे निकल गए, कौन याद रखता है भड़ू? जो जिसके लिए पैदा हुआ वो होगा, दिल तो टूटता ही है, मगर रोते रहने का काम अपना नहीं है पावा। रोते रहेंगे तो आप रोते ही रहेंगे, गुर्बत में ही रहेंगे तो गुर्बत में ही रहेंगे। एनर्जी बनाओ यार, एनर्जी बनाओ कि लोग आए आपको देखने। बाकी टेंशन मत ले, डिसिप्लिन सबसे बड़ा है। करना क्या है वो आप लोग पे। भाई मैं इस लाइन में हूँ, मैं ट्रैवल एजेंट भी था, मैं बटन भी चेक करता था, मैं खाना भी, मैं शेफ बनना चाहता था, मैं एयर पर्सन बनना चाह रहा था, मगर एक्टर बन गया, मॉडल बन गया, मांगा ने ऊपर वाले ने दिया, बस जो आया उसकी इज्जत की, उस काम की, अपने टाइम पे पहुँचा, काम से मतलब रखा, दूसरे की बुराई नहीं की, कान खोल के बड़ों को सुना।